हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद शिखा। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है शिखा, तो आप सभी का स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। और आई नो कि बहुत टाइम हो गया है तो सबको लग रहा होगा कि बाहर निकलना है, अब बोर हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी घर पर ही रहिए, आप ही की भलाई के लिए है। और टफ टाइम है, पूरी कंट्री के लिए टफ टाइम है, पूरे इवन कंट्री के लिए नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए टफ टाइम है। तो इसमें हमें एक साथ ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो आज की जो रेसिपी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है आटे का हलवा, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल वे से बनाया गया है। आपने आटे का हलवा खाया होगा और सबके यहाँ कुछ ना कुछ अलग तरीके से बनता है, लेकिन ये जो आपको मैं आज शेयर करने वाली हूँ आटे का हलवा, ये जो एटा मैनपुरी भिंड से लोग बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे इसके बारे में। इस तरह का हलवा वहाँ पे दावत में बनता था लेकिन अब नहीं बनता है, तो वही उसी की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी तो है ही, तो चलिए देखते हैं रेसिपी क्या है उसकी। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं, ये है वो यम्मी सा ट्रेडिशनल आटे का हलवा। और अभी हम लोग देख लेते हैं कि इस हलवे को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या प्रोसेस है इसको बनाने का। तो ये कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए इसको बनाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है गेहूँ का आटा और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर जिसको हम सौंठ पाउडर भी कहते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे लिया सूखा नारियल, उसको भी मैंने बारीक बारीक कट करके रख लिया है। साथ में है बादाम, इसको भी मैंने कट करके रख लिया है। गुड़ है और चीनी है। इसी के साथ हमें चाहिए थोड़ा सा देसी घी और साथ में चाहिए हमें पानी, ये देखिए। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो कि चाहिए इसको बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है ये। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो गेहूं का आटा है हमारे पास, उस आटे का हमें डो बनाना है, बिल्कुल नॉर्मल डो बनाना, जैसा कि हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं। तो इस आटे में आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना है, सिर्फ पानी डालकर आप इसको गूंथ लीजिए, एक डो बना लीजिए। आप देख सकते हैं इस तरीके का डो बनाना है आपको। और इसके बाद क्या करना है कि आपको इसके पराठे बनाने हैं। आप चाहें तो इसके पूड़ियाँ भी बना सकते हैं और चाहें तो पराठे, तो आपको जो भी कन्वीनियंट आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मेरी मम्मी पराठे बना रही हैं इसके। और मैं आपको लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है, जो कुकिंग करती हैं वो मेरी मम्मी करती हैं, मैं वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, उसमें वॉइस ओवर करती हूँ, तो ये मेरा काम है। और कुकिंग करती हैं मेरी मम्मी। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप सिर्फ बोलते हो, आप वीडियो बनाते नहीं हो, आप कुकिंग नहीं करते हो, तो हाँ ये सच है, कुकिंग मैं नहीं करती हूँ, कुकिंग मेरी मम्मी करती हैं। सो अच्छे से मैंने इसमें देसी घी के बीच में लेयर लगाई है ताकि इसमें एक अच्छे से लेयर बने और गोल गोल हमें पराठे बन इसके बना लेने हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है पराठे बनाने का, जैसे हम अपने घर में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है, लेकिन देसी घी में बनाना है क्योंकि इस हलवे में देसी घी का ही फ्लेवर अच्छा लगता है। तो बस इसको अभी हमें अच्छे से दबा दबा कर उस पर घी लगा करके हमें इसको सेकना है चारों तरफ से पलट पलट कर। तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है, जैसा कि हम लोग नॉर्मली बनाते हैं अपने घर में पराठे, तो वैसे ही बनाने हैं इसको अच्छे से, प्रॉपर वे में आपको सेकना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे ये अच्छे से सिक भी गया है, दबा दबा कर मैंने इसको सेक लिया है। अब मैं इसको रख दूंगी साइड में। तो इसी तरीके से मुझे सारे पराठे बनाने हैं, सारे इन द सेंस कि जितने पराठों का आपको हलवा बनाना है आप उतने बनाइए। मैं सिर्फ 3 पराठे बनाऊंगी और उसका हलवा बनाऊंगी, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे जो पराठे वो बनकर के तैयार हैं, ये यहाँ पे मैंने 3 पराठे बना लिए हैं। इन 3 पराठों के साथ ही मुझे हलवा बनाना है। तो जैसे ही मेरे पराठे थोड़े ठंडे हो जाएंगे, मैं इनको अच्छे से तोड़कर इनका चूरा बनाऊंगी, इनको मीड लूँगी ताकि ये बिल्कुल बारीक बारीक मुझे इसको चूरा बनाना है इसका। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, किस तरीके से मेरी मम्मी बना रही है, इसको अच्छे से तोड़कर और इस तरीके से मीड़ते रहना है, चूरते रहना है। तो जितना बारीक आपसे इसका चूरा बन जाए उतना बारीक आपको बनाना है।
और हाथ से ही बनाना है। सो ये अच्छे से मैंने चूर लिया है इन पराठों को, और अब इसके बाद हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक कढ़ाई, तो उस कढ़ाई को मैं गैस पर रखूँगी, गैस मेरी ऑन है, और इसमें मैं डालूँगी 1.5 चम्मच देसी घी। जैसे ही मेरा घी जो है मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो पराठे के हमने चूरे बनाया था वो चूरा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको आपको, इस चूरे को लगभग 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनना है। तो इसको आपको जो आपकी गैस है आप उसको मीडियम फ्लेम पर रखिएगा, और इसको लगातार चलाते हुए आपको भूनना है। और जैसे ही भुन जाएगा आपको इसमें से खुशबू आएगी और ये क्रिस्पी हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भुन गया है। सो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। मैं इसको लगातार भूनती आई हूँ, लगातार चलाते हुए, और ये अब क्रिस्पी भी हो रहा है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको एक अलग थाली में निकाल करके रख लूँगी। सो मैंने इसको एक अलग थाली में निकाल करके रख लिया है, और जो हमारी कढ़ाई थी वो अभी भी गैस पर ही रखी है, गैस ऑन है, और इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 ग्लास पानी ऐड करूँगी। ये 1 ग्लास में डाला है, तो 3 ग्लास में पानी ऐड कर रही हूँ। जैसे मैंने 3 पराठे को बना रही हूँ तो मैं 3 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। वैसे आप पानी अपने अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड करूँगी गुड़। तो जो गुड़ हमने यहाँ पे लिया है वो गुड़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं इसमें डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो इसमें। और गुड़ के साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो चीनी को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ गुड़ का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे गुड़ जो है मेरे पास कम है, एज़ यू नो कि लॉकडाउन चल रहा है, जितनी चीज़ें हैं उसी में काम चलाना है, तो इसीलिए गुड़ थोड़ा कम है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है। आप चाहें तो चीनी की जगह पर सिर्फ और सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें गुड़ ही डलता है इस हलवे में। तो जब आप देख सकते हैं कि यह जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो रहा है, और अब इस पानी में जो है बॉइलिंग आ गई है, बॉयल होने लग गया है। तो जैसे ही वो बॉयल स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपको इसको लगातार 5 से 7 मिनट तक इसी तरीके से आपको पकाना है ताकि ये जो पानी है वो अच्छे से पक जाए। सो मैंने इसको अच्छे से पका लिया है, इसको लगभग हो गए हैं 7 मिनट इसी तरीके से पकते हुए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो पराठे हमने लिए थे, उसका जो चूरा बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो बस इसको भी ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर दूंगी मैं इस तरीके से इसमें अच्छे से। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूंगी ड्राई जिंजर पाउडर, यानी कि सॉल्ट पाउडर। तो सॉल्ट आपको ज़रूर डालनी है, जो भी हम गुड़ की चीज़ें बनाते हैं उसमें सॉल्ट का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच सॉल्ट पाउडर डाल दिया है और उसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया था नारियल, सूखा नारियल, उसको मैंने कट करके रखा हुआ था बारीक बारीक, वो मैंने डाल दिया है। साथ में जो बादाम मैंने रखे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। बस अब मुझे इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसको पकाना है। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी थिकनेस आ गई है। बस 5-7 मिनट तक इसी तरीके से आपको पकाना है, चलाते रहना है बीच बीच में। और ये जो हलवा है बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, एकदम सूखा सूखा, मीडियम थिकनेस रहती है इसकी, ना तो बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो ये अभी इसकी जो थिकनेस है वो एकदम परफेक्ट है, ये अच्छे से तैयार है, आप देख सकते हैं अच्छे से ये पक चुका है। तो अभी ये हमारा हलवा जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। अब मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँगी 2 चम्मच देसी घी, और इस घी को भी मैं इसमें अच्छे से मेल्ट होने दूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत अच्छे से पूरे हलवे में हो जाए। तो यही एक प्रोसेस है हलवे को बनाने का, बहुत ही ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल तरीक़े से बनता है।
और तब पहले के टाइम में ये खाया भी जाता था बहुत अच्छे से। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। तो अभी मैं अपनी गैस कर दूंगी बंद और इसको आप सर्व कर सकते हैं। आप गरम खाना चाहें तो गरम भी खा सकते हैं, ठंडा भी खा सकते हैं। सो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।